सीरियल खिचड़ी तो आप सभी को याद होगा। शो में तुलसीदास पारेख का किरदार निभाने वाले एक्टर अनंत देसाई ने फैंस के दिलों पर लंबे समय तक राज किया है। आइए आज हम आपकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा करवाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्टर अनंत देसाई से, जिन्होंने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और वहीं उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बातें शेयर की हैं। अनंत देसाई ने फिल्म गांधी में काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, आप भी देखिए। शुरुआती दौर में कहूँ तो हालांकि मेरा छोटा सा ही रोल था, मेरी पहली फिल्म थी गांधी फिल्म, जिसमें मैंने आचार्य कृपलानी का रोल किया था, बहुत छोटा रोल था, बट चूंकि उस जमाने के वो एक इम्पोर्टेंट लीडर थे, इसलिए छोटा सा कैमियो भी इम्पोर्टेंट बन गया था। तो उस फिल्म में काम करने में मैंने सीखा भी बहुत, इतने इंटरनेशनल लेवल के लोगों के साथ काम किया, वो अनुभव मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखता है। और फिल्म को तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। ऐसे ही श्याम बेनेगल के साथ मैंने काम किया, कई किरदार किए, भारत एक खोज जो उनका सीरियल बना था, फिल्म की तरह ही बना था, और काम करने में वो लोग कई किरदार उसमें लोग आज भी याद रखते हैं, तो वो जो काम करने का सेटिस्फेक्शन है। और भारत एक खोज अपने लेवल पे आई थिंक कुछ अवार्ड्स मिले होंगे, मिले भी थे, बट काम करने का मजा है वो है। खिचड़ी इटसेल्फ को इतना आइकॉनिक सीरियल हमारा बन गया है, मुझे भी कुछ अवार्ड्स खिचड़ी के मिले हैं और सीरियल को भी मिले हैं, और तो वो तो है ही है, बट उसमें जो लोगों का प्यार मिला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कभी पता नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि इसको मिलना चाहिए था नहीं मिलना चाहिए था, मिला तो अच्छी बात है, जो भी प्यार से मिला वो हम उसी के हो लिए। सर क्या भानु अथैया ने आपके लिए भी कपड़े बनाए थे जी? बिल्कुल गांधी में, बिल्कुल जी, बिल्कुल भानु जी ने गांधी फिल्म के सारे जो भी कैरेक्टर थे सबके लिए कपड़े बनाए, और उस वक्त मिलना भी उनको होता था, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, बड़ी परफेक्शनिस्ट थी, और सबका ट्रायल करके ये करके कपड़े बनाए। तो जब वो लोगों के लिए उस समय कपड़े डिजाइन कर रही थी, तो यू नो सर, मतलब उन्होंने इतनी शिद्दत से काम किया था कि वो ऑस्कर तक गया, सबसे बड़ा सम्मान उनको मिला, तो किस तरीके का उनका वो था कि भाई यही पहनना है, या दूसरों के इनपुट्स को फिर वो कैसे क्या क्रॉस करती थी, क्या था, कुछ याद है आपको? अभी जो उनका काम इंटरनल लेवल पे होता होगा वो तो वही जानते हैं, जानती है, वह उनकी टीम जानती है, बट एक तो उन्होंने ये जरूर ख्याल रखा, एक तो हिस्टोरिकल फिल्म थी और रिसेंट वाली थी, तो वो सारे चीजें लोग, उनका रिकॉर्ड भी है, फोटोग्राफिक एविडेंसेस भी है, सिनेमा में भी है, तो उन चीजों को कैसे कपड़े लोग वो लोग उस वक्त पहनते थे उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने सारे कपड़े डिजाइन किए थे। और फिर फिल्म के शूट में कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए ताकि वो दिखे करेक्ट और वही फील आए जो ओरिजिनली लोग पहनते थे, उन सब चीजों का उन्होंने डेफिनेटली ख्याल रखा। आपको क्या पहनाया था उनके साथ? मैंने पहना था, धोती पहनी थी, कुर्ता पहना था, शॉल था, कभी शॉल इधर इस तरफ रहता था, कभी थोड़ा यूं करके रहता था, बट धोती कुर्ता और शॉल ही था, एक आध बार शायद बंडी पहनी थी मैंने, और एक सीन था जहां मैंने उस जमाने में शायद उन्होंने सूट पहना था, तो वो सूट जैसा पहना था, टूटता है उस जमाने। आपकी कितने दिन की शूटिंग थी सर? अभी दिन तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट 10-11 दिन रहे होंगी मेरे ख्याल से। कुछ सीन्स थे जो हमने ज्यादातर तो दिल्ली में शूटिंग की, और एक दो कुछ सीन्स मुंबई में यहाँ शूट हुए, तो इंटरनल बट यहाँ हुए। तो बेन किंग्सले को कितनी हिंदी सिखाई थी हम लोगों ने? हमने तो इतनी ना नहीं सिखाई थी, बट शायद लोगों ने उनको सिखा दी थी, बातचीत तो चलती रहती थी, बट वो मेहनती बहुत थे, काम बहुत करते। और कोई यादगार बात आपको? कलाकार तो हैं, अच्छे कलाकार हैं वो, और बाकी सारी टीम भी बहुत अच्छी थी, तो मजा आया काम करने का, और बड़ा रोल होता तो और मजा आता। सर देखिए, आपने 10 दिन काम किया, लेकिन 10 दिन में आपने कहा कि गांधी पहली फिल्म, आपने अपने जब मैंने सफर की बात की तो पहली फिल्म का नाम आपने लिया, तो अगर उन 10 दिनों में कोई यादगार चीज है, कोई किस्सा जो आप हमको साझा करना चाहते हैं सर, वो जरूर साझा करें कि ऐसा हुआ था। नहीं, बहुत डिटेलिंग के साथ काम किया था, बहुत मजा आता था, एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और सब लोग बड़े मेहनत से, बड़े बड़े एक्टर्स और भी बाहर से जो आए थे वो भी अपने आप में बड़े एक्टर्स थे, तो बड़े
डाउन टू अर्थ होकर बड़े डिसिप्लिन ले, जो बहुत अच्छा मुझे लगा कि पूरी डिसिप्लिन के साथ काम होता था। पूरे दिन का काम शुरुआत होता था, शुरू के होके मेकअप से होके ड्रेस होके एक उसका पूरा तरीका था, फिर सीन होता था, सीन आपको पहले से समझाया जाता था और फिर रिहर्सल्स होते, एक डिसिप्लिन जो पूरा था इनहेरेंट, वो सबसे ज्यादा इम्प्रेस कर गया। चलिए, और हम सब ने बड़े पैशन के साथ काम किया कि भाई ऐसी फिल्म अपने गांधी जी के, महात्मा गांधी के ऊपर बन रही है, एक इतिहास जो हमने पढ़ा है, थोड़ी जानकारी भी है, तो एक पैशन था, एक जज्बा था हम सब में कि वो इस फिल्म में काम करने में, और ही एक मजा आया।